उधर में रखा है, दूध को कुछ बैक्टीरिया ने खा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आप लोगों का और एक नया ब्लॉग के साथ। तो कल तो पहुंचाया हम लोगों ने बहुत सेफली, खाली एक ही रीजन हुआ था कि दिक्कत हुआ था कि पुलिस ने पकड़ा और लेनर जो मेरा था बिलिटी भी खत्म हो गया। मैं दिखा नहीं, मैं सोच रहा था बिलिटी खत्म हुआ, वो लोग अच्छा से दिखा नहीं, शायद हम लोग पकड़ जाता। लाइसेंस बना रहा हूँ अगले मंथ, मैंने बोला है बनाने के लिए। और कृपा भाई जा रहा है, देखो हाथ रुका है यहाँ पे। और भाई आपको अभी टूरिस्ट नहीं लग रहा है मेरे को, आपको आर्मी लग रहा है अभी। देखो इसका बैग, पुलिस ने पूरा चेक किया इसका बैग पूरा, जितना भी जीप कितना पूरा खोल के दिखाया, कुछ बॉम्ब जीप इतना सारा बॉम्ब तो हम वो गान वगैरह तो लेके नहीं आ रहा, बांग्लादेश ट्रांसफर तो नहीं कर रहे थे। ठीक है भाई, कृपा भाई और आ जाना। और अगले हफ्ते उसका शायद त्रिपुरा भी जाएगा बोल रहा था, और मेरे को भी बोल रहा था जाने के लिए, लेकिन नहीं जाऊंगा यार, दूर जाने के लिए काफ़ी मुश्किल है। इसे नज़दीक में सही है, क्योंकि नज़दीक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आराम से आ सकता है। तो खाना वाना खा के हम लोग जा रहे हैं अभी और हॉस्पिटल में, और स्कूटी से जाएंगे। और तालाबों में यहाँ से एक गंदा सफ़र है, तो अभी वहाँ पर डॉक्टर वगैरह दिखाएंगे, टाइफाइड चेक करेंगे, क्योंकि गाँव में तो चेक कर नहीं सकता है, तो इस कारण वहाँ पर हॉस्पिटल में जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास, क्योंकि 3-4 दिन से बीमार है पप्पू। ये तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं है, जो भी खाते हैं पूरा कड़वा लगता है, उल्टा है, तीता लगता है, इसलिए नहीं खाते। पप्पू गया नीचे और हम लोग अभी जाएंगे। रात को 1 बजे भाई, पप्पू का मम्मी तबीयत पूरा जोर से भूख आया, इतना गर्म है ना, सच में अगर सिर लगाएगा ना मेरा जलता है शरीर, उसका बॉडी में लगेगा, तो मैं दे रहा हूँ ठंडा पानी माथे में। सही गया यार, मैं कल आया था, आने का टाइम में मैं फिर से ब्लड टेस्ट किया है दोस्तों, लेकिन कुछ भी नहीं है। और जो ब्लड टेस्ट कर दिया था ना, वो बोलता है ये अलग अलग होगा, नहीं तो टाइफाइड होगा, नहीं तो फूक जो खाते हैं ना यहाँ पे बोलते हैं फूक खाता है, पता नहीं क्या खीरा खीरा खाते हैं। और ममता पापा स्कूटी को उस पार कर रही है, पानी बहुत भरा हो गया पहले से। लारू भी आया है, देखो लारू इतना बंद है, यहाँ पे ही मिला है। ओए लारू, ओ लारू बा जा रहे, ओए लारू बा, ना ना ले, फिर भी जाता है। कब से मैं घर में बेचने के लिए ट्राई कर रही, नहीं जाते। मदद कर रही है, कब से लेके जाने के लिए ट्राई कर रही है, वहां पे खा रहा है, वो कपड़ा धोकर आया है मदद करने। ना दिक्कत हो गया, मेरा मुंह और खान देख सकते हो दोस्तों, कितना लाल हो गया, क्योंकि इतना बुखार है मेरे को, पूरा खानों में कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है, करता है गर्मी से।
पहुंच गए हैं दोस्तों। कितना ठंडा लग रहा है मुझे तो आने का टाइम में, हवा ज़्यादा है। अभी आ गया है, हम लोगों ने हॉस्पिटल में पहुंचा है और डॉक्टर को दिखाया। उसने पूछा कितना दिन से बुखार है, 4 दिन से। और के बाद और हम लोगों ने पहले तो ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजा है, यहाँ पे लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं, टाइफाइड भी हो सकता है। और बापू का मम्मी वहाँ पे देखो धूप ले रहा है, धूप सेक रहा है, शरीर को सेक रहा है, ठंडा लग रहा है बोलते है। अभी एक दवाई दिया ना, पैरासीटामोल दिया है शायद इसको। तो दोस्तों दवाई लिया है, अभी यहाँ से स्वीट कॉर्न लिया है। सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया और भूख भी नहीं लगता है, वो एकदम तीता तीता है। मैं एक चिप्स खा रही थी, वो भी फेंक दिया है। ये मकई इतना खाने का मन हो रहा है मुझे अभी। वहाँ पर मन का पत्ता $300। तो अभी हम लोगों ने बाज़ार में भी आ गया और लास्ट में बताऊंगा पापा को मम्मी को क्या होगा। दवाई मिला है हम लोग को और उसके बाद ब्लड टेस्ट करने के बाद क्या आया था आप लोग को बताएंगे इस ब्लॉग में लास्ट में। तो दवाई वगैरह लेके अभी बरकत में आया है, कुछ हम लोग को केक वगैरह लिया है, अभी लास्ट में कुछ खा रहे हैं क्योंकि पापा उनका मम्मी सुबह से खाना भी नहीं खाया, इसको भूख भी नहीं है, क्या खाएगा ये मेरे लिए चर्च यार। ऐसा वाला खाएगा तू, खाएगा खाएगा तो बोलो। ठंडा है, थोड़ा गर्म करना चाहिए था यार। सही है बेटी। अभी जा रही है, घर में पहुंच गए हैं दोस्तों और मक्का पापा आते ही खाना बनाना तैयारी कर रही है। अभी बताता हूँ दोस्तों मुन्नत का मामी का क्या हुआ और दवाई दवाई मिला है, देखो दिखाओ तो दवाई कर रहे यही है वही है और है ना क्या है, विटामिन तो मिला है आपको, विटामिन क्या क्या मिला है और विटामिन मिला है और है उधर में रखा है, 2 मिला है ना और उधर। एक्चुअली बाबू का मम्मी को कुछ बैक्टीरिया नहीं खाता है इसका, यहाँ पे अभी कॉमन हो गया वो बीमारी। जो भी टेस्ट करने के बाद अगर मलेरिया फीवर पीबी टाइफाइड नहीं होगा तो वो पक्का होता है ना, बैक्टीरिया नहीं खाता है, उसको बोलते हैं पुखा मच्छी। और वो बीमारी अभी कॉमन हो गया बोलता है, इसके लिए बुखार आता है ज़्यादा करके। अभी ये दवाई दिया है, दवाई खाने के लिए बोला है, अब दवाई खा के ठीक हो जाएगा बोला। अच्छी बात है, मैं आया तो सही किया भाई, नहीं तो और भी इसको मुश्किल में पड़ जाता है, कितना दिन बीमार बीमार होते। ओह गर्म पानी दे दिया है मनोज का पापा मेरे लिए, तो नहाऊंगी, कल भी नहीं नहाया है, पूरा थक गया मैं। और मनोज का पापा तो मेरे से ज़्यादा थक जाएगा, वो कल भी इतना स्पीच आया है और मैं बुखार था ना दोपहर को कॉल किया एकदम 1 बजे से, 1 बजे से आया था ना वहाँ से, पूरा रात तो सारा 1 बजे से वहाँ से आया है, पूरा रात हुआ है थकान पूरा आतिश हो गया और रात को भी नींद नहीं हुआ मेरे वजह से, ना जोर जोर इतना तेजी से बुखार आया है। तो मैंने पहले तो सब्जी बनाया, खाना बनाया, सब खाना वाना रेडी करके बापू के लिए अंडा वगैरह बना दे के फिर और अभी नहाया दोस्तों, बस नहा धो के अभी खाना खाना है, बहुत भूख लग रहा है मेरे को। बापू का मम्मी खाएगा कि नहीं मालूम नहीं, बापू तो खा रहा है, देखो
पप्पू खा रहा है और खाएगा आप, आ जाओ खा लेते, नींद लग रहा, आ जाओ पहले खाना खाओ, दवाई खाना है, दवाई भी खाना है ना, आ जाओ और अभी खा लेते हैं खाना भाई, और मिलते हैं खाना खाने के बाद दोस्तों। बहुत थक गया भाई, मैं तो बहुत थक गया सच में, इतना जर्नी करना है ना पूरा, मतलब पास पास हो रहा है, गैप नहीं है बीच में, तो इसलिए मैं पूरा थक गया। खाना वाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया और बापू का मम्मी तो खाना नहीं गया, उसको भूख बिल्कुल नहीं है, तो क्या क्या किया मैंने वहाँ से आने के बाद, स्वीट कॉर्न मैंने बॉयल कर दिया बापू का मम्मी को, स्वीट कॉर्न खाया खाली उसने दो पीस, एक स्वीट कॉर्न खाया, फिर उसके बाद वो सो गया, आराम से सो रहा है, बहुत थक गया वो भी, और मैं भी बहुत थक गया भाई, क्योंकि कल इमरजेंसी करके जर्नी करके आया था सोंगटे से, फिर आज मैंने लेके गया बापू का मम्मी को खिलाऊं, और काफ़ी मेरा भी पूरा बॉडी तैयार हो गया दोस्तों, और अभी सो जाऊँगा, वीडियो वगैरह तो आप एडिट कर नहीं पाऊँगा दोस्तों, और क्योंकि बहुत ही थक गया, मेरे को नींद आ रहा है, और मिलते हैं कल और एक नया ब्लॉग के साथ दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।